खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर व्यापारी अंकुश शर्मा हत्याकांड पर पुलिस ने अहम खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया। ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। व्यापारी अंकुश शर्मा की हत्या के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैसे के लेन देन और फ्लैट हथियाने को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि 9 अगस्त को प्रवीण ने अंकुश की गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में उस पर हथौड़े से वार किया। अगले दिन उसने अंकुश का शव फेंक दिया। एक व्यापारी है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और सब कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं कई साइट्स का, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग लिखी गई थी। इस ये मिसिंग जो है ये फाइनली एक मर्डर निकला है, जिसमें उनकी ही एक व्यक्ति है प्रवीण, जो उनके साथ एक प्रॉपर्टी की डील कर रहा था, एक फ्लैट की डील कर रहा था, उसको जो है अरेस्ट किया गया है। जो घटना में कार यूज़ हुई है, वेपन यूज़ हुआ है, वो बरामद हुए हैं और अंकुश जो है उनकी जो डेड बॉडी है वो टी सीरीज की जो ज़मीन है उसके जंगलों के पास से बरामद हुई है। ये दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दृश्यम फिल्म और क्राइम वेब सीरीज देखकर एक हफ्ते में हत्या का प्लान बनाया था।